गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अरविंद पाल ब्लॉग्स में। सबसे पहले तो आप सभी को हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज चैत्र प्रतिपदा और चैत्र नवरात्र का प्रारंभ है। आज से हिंदी नववर्ष का पहला महीना होता है चैत्र, और चैत्र महीने की शुरुआत होती है नवरात्रों से। तो पहला नवरात्र है आज, माता शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। 9 दिनों तक नवरात्रि पूजा होगी और देवी माता के 9 रूपों की पूजा की जाएगी। सबसे पहला रूप है देवी माता का शैलपुत्री माता, दूसरी ब्रह्मचारिणी माता, तीसरी चंद्रघंटा माता, चौथी कुष्मांडा माता, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी माता, सातवीं कालरात्रि माता, आठवीं महागौरी माता और 9वीं सिद्धिदात्री माता है। तो माता के इन 9 रूपों की पूजा की जाती है नवरात्रों में। सुबह का समय है और घूमने टहलने आया हूँ अपने ग्राउंड में, वहीं जहाँ रोज आता हूँ। और नवरात्र के बाद अगर बात की जाए हिंदी नववर्ष की, तो इस नववर्ष की शुरुआत होती है चैत्र महीना से। पहला महीना चैत्र का है, दूसरा बैसाख, तीसरा ज्येष्ठ, चौथा आषाढ़, पांचवा श्रावण और छठा भाद्रपद, सातवां अश्विन, आठवां कार्तिक, नौवां मार्गशीर्ष, दसवां पौष, ग्यारहवां माघ और 12वां फाल्गुन। तो ये 12 महीने हिंदी नववर्ष के होते हैं। और इन महीनों में भी होते हैं 30 दिनों में 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। सबसे पहला कृष्ण पक्ष होता है, तिथियां इस तरह होती हैं, प्रतिपदा यानी पड़वा जिसे कहते हैं, फिर द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी तिथि, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, उसके बाद एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, और पहले अमावस्या आती है चतुर्दशी के बाद, और फिर दूसरे शुक्ल पक्ष में इसी तरह चतुर्दशी तक 14 तिथियां होती हैं, और उसके बाद पूर्णिमा आती है यानी पूर्णमासी। मासी मतलब महीना, महीना पूर्ण जहाँ होता है पूर्णिमा। महीने में 2 पक्ष होते हैं और दोनों पक्ष में सभी तिथियां 2-2 बार आती हैं, पड़वा से लेकर चतुर्दशी तक सभी तिथियां। ये सब तिथियां नवयुवक नहीं जानते आजकल के नए लौंडे, और हमें भी हमारे दादी बाबा ने कभी पुराने ज़माने में बताया था, तभी से याद है हमारे भी। चलिए, ये सब बातें तो हुई हमारे हिंदी नववर्ष और उसके महीनों की, नवरात्रों की। अब बात करते हैं अपनी, अपने परिवार की। बच्चों को बहुत मिस कर रहा था, काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बनाई आरुषि नंदिनी की, और आज तो उनकी कुछ वीडियो क्लिप्स बनाई हैं प्रीति ने, तो अपने इसी वीडियो में ऐड कर रहा हूँ आज उनके क्लिप्स भी। बच्चों को आप लोगों ने वीडियो में शायद उतना ही मिस किया जितना लाइफ में मैं मिस कर रहा हूँ उन्हें, तो सब बच्चों को। तो रनिंग तो हो गई अपनी, इतना पसीना बह दिया, अब थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ पर आरुषि कर रही है अपना होमवर्क, तो नंदिनी को भी होमवर्क करना है। आरुषि अभी सोकर उठी है स्कूल से, आकर आराम, खाना खाकर आराम कर लिया था आरुषि ने, और सोकर उठकर आरुषि अपना होमवर्क करने लगी। तो नंदिनी को भी जिद चढ़ी है कि मैं भी अपना होमवर्क कर रही हूँ। क्या कर रहे बेटा आप? होमवर्क अपना। क्या कर रही नंदिनी? होमवर्क कर रही। स्कूल गई थी आज? हाँ बेटा। नहीं गिरने की नहीं, बहुत जगह है बेटा। हाँ जी, देखो। और उसी अब खुद से अपना होमवर्क करने लगी है, ना तो हाथ पकड़नी पड़ता है ना बताना पड़ता है, अपने आप ही लिख लेती है। देखिए क्या बना रहे बेटा ये आप? E4 elephant। आप क्या बना रहे? ये भी लिख रही है भी E4 elephant। अच्छा, हेलो जी कर दो जोर से। हेलो जी, राम राम जी, कैसे आप सब? आशा करते आप सब भी ठीक होंगे। तो मैं काम कर रही, और ये भी अपना काम कर रही। काहे का काम कर रहे हो आप? स्कूल का या श्रावण में? चलो अच्छा, होमवर्क करो अपनी। बुक ना 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 ना, अपनी बुक में करो बेटा। ऐसे ले, चलो होमवर्क करो अपना, फटाफट फिनिश करो करो भाई, जल्दी जल्दी। टीचर पिटेगी फिर, नहीं तो अगर होमवर्क ना हुआ तो। फटाफट करो भाई, जल्दी जल्दी करो। आरुषि आप भी देखो,
नंदिनी ने कितना सारा काम कर लिया अपना, देखो फटाफट कर रही पेज पलट पलट के। देखो खुद ही टीचर है, खुद ही स्टूडेंट है। आपो गुस्सा आ गया भाई, गुस्सा आ गया, छेड़ते ही गुस्सा आ गया। आरुषि से ना छेड़ो अपना होमवर्क करो बेटा फटाफट। चल आरुषि नहीं छेड़ेगी, चलो आप अपना काम करो। मैम कौन पिटेगा नंदिनी? मैम नंदिनी को तो डर लगने लगा अभी से, मैम पिटेगी भाई। इन्हें अपना सारा रिटर्न वर्क कर लिया है, अब करेगी अपना ड्राइंग का वर्क। एक और ड्राइंग का वर्क। बाल कैसे हो रहे हैं आपके बेटा? ये बाल कितने बांध लो, सारे ऐसे ही आ जाते हैं। बन रहे तो चुतिया। हाँ बन रही बेटा। कौन सा कलर कर रहे हो आप? ब्लू। और ये कौन सा करा आपने? पिंक। ये कौन सा करा? येलो। वाओ आपको तो सारे कलरों के नाम याद हो गए। वेरी गुड। क्या कह रहे हैं आप? वेरी गुड। अब आरुषि का भी सारा काम कंप्लीट हो चुका है। रॉकेट मिल गया आज। रॉकेट मिल गया, चलो कल। अलग अलग कलर हो गए इनमें। हाँ अलग अलग कलर हो गए। कंप्लीट कर ले फटाफट अपना वर्क। बहुत अच्छे कलर करते हैं आरुषि, बिल्कुल साफ सफाई के साथ बाहर नहीं निकालती। देखो अब कौन सा होगा? पिंक। करो पिंक, राम राम से ऐसे। हो गया कंप्लीट। देखो भाई वाओ बहुत सुंदर करा आपने कल को ना। बिल्कुल आरुषि की मम्मी जैसा। अच्छा जी, आरुषि की मम्मी भी ऐसा ही करे है? आरुषि की मम्मी नहीं बोलते बेटा, बड़ी मम्मी जी। बड़ी मम्मी। हाँ किसके जैसा? बड़ी मम्मी। हाँ बड़ी मम्मी जैसा बिल्कुल साफ। देखो कल को आरुषि को गुड मिलना है, ठीक है ना? गुड मिलेगा कल को आरुषि को, बिल्कुल साफ साफ कलर करा। और कल को मिलेगा रॉकेट, ठीक है? हाँ। चलो मम्मी। हाँ जी। इसमें यो कलर कौन सा है? ये पता नहीं। रेड। रेड कौन सा कलर है? ये रेड। हाँ चलो। ये येलो, ये ब्लू और ये येलो। ग्रीन। ग्रीन हाँ जी। चलो धीरे धीरे याद हो जाएंगे बेटा आपके सारे, ठीक है? अब अपना बुक बंद करो और अपना खेल लो। हो गया कंप्लीट। और कर रहे रा। नंदिनी क्या कर रहे बेटा? ए नंदिनी देखिए यहाँ नंदिनी ना साइकिल चलाने की कोशिश कर रही है और किसी को भी ना हाथ नहीं लगाने दे रही साइकिल के। दरअसल ये इस पे ना ये छोटे छोटे जो दो पहिए हैं इस पर ना जो छोटे छोटे दो पहिए हैं इन पर ये टिकी हुई है, जिस वजह से गिर नहीं रही, बैलेंस बना हुआ है। हैं क्या कर रही नंदिनी बेटा? कैसे चला रही है? मैं चलवाऊँ क्या? तो देखिए पैर नहीं आ रहे बैठ के। लाओ चलाओ। हाँ चल नहीं रही। चल गई भाई। कैसे चल गई नंदिनी? चलाओ चलाओ भाई।